चैनल इंडियन फ्लेवर्स विद पिया। आज हम बनाने वाले हैं ये नमकीन जवे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी है जो कि बैचलर्स को या फिर किसी को भी जिसको भी बनाने में बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सामान घर से बाहर से लाना भी नहीं पड़ता है, जो घर में होता है उसी से ही बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और बनाते बनाते देखते हैं कि हमें इसे क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे। आप चाहो तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हो, कोई भी कुकिंग ऑयल आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। मैंने 2 टेबल स्पून डाल लिया है इसमें। रिफाइंड गर्म हो गया है तो ये मैंने उसमें 1/2 टीस्पून जो है जीरा डाल लेंगे। जीरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसमें 4 हरी मिर्च जो है वो काट के ले लिए, तो इन्हें डाल लेंगे, बारीक काट लिए। और ये 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज काट के ले लिया है लंबा लंबा, इसको भी डाल देंगे और इन्हें फ्राई होने देंगे अच्छे से। प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई, तो मैंने 2 मीडियम साइज के आलू जो है वो बारीक काट लिए हैं, इनको ले लिया। अब इन्हें भी इसमें डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, बस हल्का सा कुक करना है कि ये थोड़े से गल जाए बस। बिना पानी डाले इन्हें अच्छे से गल जाने देना है, बस 2 मिनट के लिए इन्हें कुक करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम जो है जवे ले लिए हैं। ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए थे, इनमें कोई रिफाइंड वगैरह कुछ नहीं डाला था, इनको ड्राई रोस्ट ही कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, तो अब इसको भी डाल देते हैं। आलू हमारे 2 मिनट अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब इन्हें डाल लेंगे। इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको टमाटर पसंद हो तो। टमाटर आप आलू डालने से पहले ही डाल के उसे अच्छे से गला लीजिएगा और उसके बाद उसमें आलू डालिएगा। आप बाकी सारा प्रोसेस वैसे का वैसे ही करना है। ये मिला लिया हमने इसमें अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे, हम इसमें पूरा 1 गिलास पानी डालेंगे। और गैस को मीडियम ही रहने देंगे, ना हमें गर्म करना है ज़्यादा और ना ही थोड़ा कम करना है। तो अब ये पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो हमें मीडियम ही रखना है, ना ज़्यादा हाई करना है और ना ज़्यादा लो करना है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर ले लिया है, ये इसमें डाल लेंगे। 1 टीस्पून में हम इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे। बच्चों के लिए डाल रहे हैं अगर तो पिसी मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च को भी स्किप कर सकते हैं। और ये 2 पिंच हमने ले लिया है ये गरम मसाला। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल लेंगे। बस अब हम इसे ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इन मसालों को अच्छे से मिला के इसे ढक देंगे और आराम से हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसे खोल के चला देंगे, देख लेंगे अगर ये थोड़ा सा कच्चा रह गया होगा तो इसे 2 मिनट और कुक कर लेंगे, अदरवाइज़ ये पूरा अच्छे से कुक हो जाएगा तो गैस बंद कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिल गए तो इसे डालते रहें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। 7 मिनट हो गए, हमने इसे खोल के देखा, ये अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए अच्छे से बन गया है ये। आप आलू दबा के इस तरह से देख सकते हैं, अगर आसानी से कट जा रहा है तो उसका मतलब ये बन गया है अच्छे से। तो बस गैस बंद कर दिए और अब इसको निकाल लेते हैं, फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने प्लेट में अपने निकाल लिए सर्व करने के लिए। इसको हमने पुदीने की पत्ती से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। आप चाहे तो धनिया की पत्ती से या पुदीने की पत्ती से, जिससे भी आप चाहे इसे गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी, देखा आपने कितनी आसानी से बन गया, और इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है, घर के सामान से आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बिगिनर्स या फिर जो मतलब बच्चे अकेले रहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और क्विक रेसिपी है और हेल्दी भी और पेट भी इससे अच्छे से भर जाता है। तो
फटाफट से आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो फिर मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।